नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए, जैसे कि आप बैकड्रॉप में देख रहे हैं, हम खेल और राजनेता के इस गंदे जोड़ को कैसे दूर किया जाए, इस गठजोड़ को कैसे तोड़ा जाए और इस विषय पर देश की क्या राह है ये बताने के लिए आज का बिंदास बोल लेकर आए हैं। और हमेशा की तरह आपसे हम यही प्रतिक्रिया चाहते हैं कि देश क्या सोचता है, देश क्या कहना चाहता है और देश की राय क्या है। बिंदास बोल इस देश की अभिव्यक्ति मानी जाती है और इस देश की सोच निश्चित तौर पर यही है, ऐसा हम मानते हैं कि खेलों से राजनेताओं को दूर करना चाहिए। जी हाँ, कई साल पहले जब भारत में हर खेल के लिए सरकार के मदद की जरूरत होती थी, तब राजनेताओं को खेल के महासंघों के अध्यक्ष या मुख्य कार्यवाहक नियंत्रक या ऐसे पद दिए जाते थे जो शोभा बढ़ाने के लिए होते थे। उनका सम्मान देने का उसके पीछे उद्देश्य होता था, सम्मान देके उस खेल के लिए उनकी मदद ली जाए, ये भावना होती थी। कई बार वो राजनेता उस खेल से संबंधित नहीं होते हुए भी खिलाड़ी अपने आप को पर्दे के पीछे रखते हुए उसको चेहरा बनाकर खेल के हित के लिए ये सब कुछ करते थे। लेकिन ये तो हो गया आ बैल मुझे मार जैसा कि राजनेता को तो बिठा दिया, अब वो वहां पर पालथी मारकर बैठे हैं और हिलने को तैयार ही नहीं है। इतने जमे बैठे हैं को डगमगाने को ही तैयार नहीं है। खेल डगमगाया है, विश्वसनीयता डगमगाई है, खेल के प्रशंसक दमा डगमगा है, लेकिन राजनेता वहां पर जमे बैठे है। ऐसे में क्या राजनेता का वहां पर बैठना जरूरी है या उस खेल का पूर्ण रूप से आजाद होना जरूरी है? आईपीएल के बहाने, जो आईपीएल की बड़ी दुकान जिसको कहा जाए कि ऊंची दुकान और फीका पकवान जैसी स्थिति आईपीएल की हुई है, इस आईपीएल के बहाने क्रिकेट को बचाने का जो प्रयास चल रहा है वो केवल व्यक्ति को बदलने के लिए आगे बढ़ रहा है। हमने सोचा कि पूरी व्यवस्था बदलनी चाहिए, प्रवृत्ति बदलनी चाहिए, खेल से राजनीति करने वाले और खेलों से पैसा कमाने वाले राजनेताओं को दूर किया जाए। तो केवल क्रिकेट की ही बात क्यों हूं, देश में तमाम ऐसे कई खेल है जिन खेलों से उन राजनेताओं का कोई संबंध नहीं है। कभी तो उस खेल के लिए वो राजनेता हो सकता है कि फायदे का भी रहा हो, लेकिन आज वो राजनेता लायबिलिटी बन चुका है या खेल के गाड़ी को गलत ट्रैक पर लेके जा रहा है। कई तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका खेल से ही संबंध नहीं, उस स्पेसिफिक खेल छोड़िए वो कभी मैदान में उतरे ही नहीं है, लेकिन राजनीति के महारथी खेल को अपने राजनीति के उपयोग में ला रहे हैं, भले खेल का कितना भी नुकसान हो। आइए इसी मुद्दे पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। आप फोन लाइन पर फोन करके अपना ऑडियो कॉल दे सकते हैं, आप वीडियो कॉल के लिए स्काइप का उपयोग कर सकते हैं। आप अगर ये दोनों चीजें नहीं कर सकते तो आप फेसबुक के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। एक जमाने तक देश के सबसे लोकप्रिय खेल हॉकी और फुटबॉल हुआ करते थे, मगर आज खेलों की भरमार लग गई है, जहां पर देश के जाने माने राजनेता खेल महासंघों की कुर्सी पर विराजमान होकर करोड़ों अरबों के फारे न्यारे कर रहे हैं। मगर आए दिन जिस प्रकार से देश के खेलों में राजनेताओं की बैठ बनी है, उसको लेकर कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। आज रसूख का पर्याय बन चुके खेल संघों की कुर्सी पर राजनेता बरसों बरस से चिपके हुए हैं, तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इन्हें वाकई खेल संघों की कुर्सी पर रहना चाहिए। भारत में बचपन में खिलवाड़ शब्द का प्रयोग बहुत आयात में किया जाता था, मगर आज के दौर में खेल संघों को देखकर ये कहा जा सकता है कि देश में खेल अब खिलवाड़ बन गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी अध्यक्ष अधिकतम 3 और पदाधिकारी 2 कार्यकाल ही पूरा कर सकता है, मगर महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे से सांसद सुरेश पिछले 14 सालों तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने रहे, साथ ही साल 2000 से एशियाई एथलेटिक्स का पद भी कलमाड़ी के कब्जे में रहा। इसी तरह विवादों से गहरा नाता रखने वाले जगदीश टाइटलर भारतीय जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर 20 साल से काबिज हैं। वे भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष का ताज भी अपने ही सर पर रखे हुए हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और केंद्रीय उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल अब इस संघ के अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा 10 सालों से अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा ने तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। वे 1973 से भारतीय तीरंदाज संघ के अध्यक्ष पद पर जमे हुए।
तो वहीं दूसरी ओर अरुण जेटली बीसीसीआई के उपाध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष वी के वर्मा चौथी बार इसके अध्यक्ष बने हैं। वर्मा इसके अलावा एशियन बैडमिंटन कॉन्फेडरेशन के सचिव और विश्व बैडमिंटन फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी हैं। विधायक अजय सिंह चौटाला हरियाणा टेबल टेनिस संघ पर अपना कब्जा 1987 से बनाए हुए हैं। वे सन 2000 से अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ में अपनी जोरदार उपस्थिति भी दर्ज कराए हुए हैं। साथ ही अभय सिंह चौटाला पिछले 9 सालों से भारतीय बॉक्सिंग संघ पर अपनी दावेदारी बनाए हुए हैं। इन नियमों कायदों को थता बताते हुए नानावटी ने भारतीय तैराकी संघ के सचिव की कुर्सी छठवीं बार संभाली है। वे 1984 से संघ में है। शान का प्रतीक माने जाने वाली भारतीय हॉकी की स्थिति आज किसी से छिपी नहीं। वर्षों से मठाधीशों के कब्जे से मुक्ति के लिए छटपटाती हॉकी दम तोड़ चुकी है। खन्ना परिवार का टेनिस संघ पर कब्जा 1988 से बरकरार है। 1988 से 1993 तक राजकुमार खन्ना टेनिस संघ के सचिव रहे और 2000 तक इनके अध्यक्ष रहे। इसके बाद राजकुमार खन्ना ने अपनी विरासत अपने पुत्र अनिल खन्ना को सौंप दी, जो आज तक सचिव पद पर कायम है। निशानेबाजी के मामले में कभी अव्वल रहने वाला भारत आज इस क्षेत्र में दुर्दशा के आंसू बहाने पर मजबूर हो चुका है। भारत में खेल संघ एक दशक से पूरी तरह से राजनेता, नौकरशाह और उद्योगपति के घरों की जागीर बनकर रह गया। लंबी असाध्य बीमारी और निधन के चलते ये लोग संघ से विदा होते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रिय रंजन दास मुंशी 1986 से भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष थे। जब मैं 2000 में गंभीर रूप से बीमार हुए, तब जाकर उनके स्थान पर संघ के ही उपाध्यक्ष एवं केंद्रीय उद्यान मंत्री प्रफुल्ल पटेल को अध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह, जिनका निधन कुछ महीने पहले हुआ है, वे भी 1999 से नेशनल राइफल संघ के अध्यक्ष रहे। अभी राजीव शुक्ला IPL के चेयरमैन और BCCI के उपाध्यक्ष बने हुए हैं। इसके पहले शरद पवार BCCI के अध्यक्ष पद पर मौजूद थे। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि देश में खेल अब खिलवाड़ बनकर रह गया है। BCCI 40,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है, मगर यहाँ खेलों का पतन हुआ है। देश की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई है, फिर भी उस हिसाब से खेलों में हम कहीं नहीं है। इस स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ खेलों में राजनेताओं का प्रवेश ही जिम्मेदार माना जा रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या खेलों से राजनेताओं को दूर रहना चाहिए। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है अगर खेल बचाने हैं। वैसे तो हमारे देश में जो देशी खेल है उनकी स्थिति बहुत खराब है। वैसे तो क्रिकेट छोड़ के करीब करीब सारी खेलों की स्थिति खराब है, लेकिन अगर इस बहाने चर्चा करनी है तो हम सारे खेलों की चर्चा करें और इन खेलों के व्यवस्था परिवर्तन की बात करें, व्यक्ति परिवर्तन की बात करें, प्रवृत्ति परिवर्तन की बात करें। और ये सब तभी संभव है जब यहाँ पर जमे बैठे राजनेता को हटाया जाए। कॉलर के पास चलते हैं। जी बोलिए। वंदे मातरम, मैं कुंदन बात कर रहा हूँ थाने महाराष्ट्र से जी। हाँ, क्या खेलों में ये नेताओं की जो अभी अतिक्रमण, मैं तो शब्द प्रयोग करूंगा, ये जो नेताओं ने अतिक्रमण किया है हर एक क्षेत्र में, तो धर्म हो, खेल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, प्रत्येक क्षेत्र में इन्होंने अतिक्रमण करके हर एक क्षेत्र को गंदा कर दिया है। उन्होंने यहाँ खेल की ABCD मालूम नहीं है, खेल मंत्री बन जाते हैं। ठीक है, ये फारूक अब्दुल्ला साहब है, उनको क्रिकेट क्या मालूम है कि नहीं, वो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हो जाते हैं। यहाँ जेटली जी है, यहाँ पवार साहब है हमारे, वो बड़े बड़े अध्यक्ष हो जाते हैं खेलों में। ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। योग्यता के अभी आपको गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए तो क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, लेकिन ये नेताओं की जो अतिक्रमण दरेक क्षेत्र में जो हो रहा है वो आगे आने वाले समय में घातक उपस्थित हो सकता है प्रत्येक क्षेत्र में, तो इससे तो बचना होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जहीन बोलिए। वंदे मातरम सुरेश जी, मैं संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ। बोलिए सुरेश जी। जहाँ गुड़ होता है वहाँ चीटियों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है। कुछ नेताओं ने पूरे देश का खेल खराब कर रखा है। आज 120 करोड़ की आबादी में एक भी गोल्ड मेडल भारत के पास नहीं आता, यह बड़ी शर्म की बात है। आज भारत का ओलंपिक में गोल्ड मेडल से वंचित रहना मुख्य कारण खेल संघों पर राजनीतिक पकड़। मेरा नेताओं से गुजारिश है कि आप खेल ऐसा न खेले कि हर खेल खराब हो जाए, जैसे राष्ट्र संघ के खेलों में घोटाले हुए। मेरा भारतीय नागरिकों से निवेदन है
कि इन कुछ नेताओं के खेल को समझो, नहीं तो पूरे देश का खेल खत्म हो जाएगा। कुछ नेता ऐसे देवता है कि ये अलग अलग रूपों में भ्रष्टाचारियों का कल्याण करते हैं, जैसे राष्ट्र संघ खेलों में सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आई और उसमें शीला दीक्षित का जिक्र था, फिर भी उनको बचा लिया गया, आज भी वह उस पद पे आसीन है। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। वंदे मातरम अंकल, मैं प्रियांशी शर्मा चुरू लाल खान से बोल रहा हूँ। हाँ। बहुत ही दुख की बात है कि अपना पूरा जीवन खेलों को देने वाले पुराने खिलाड़ियों को नजरअंदाज करके ऐसे राजनीति के खेल संघों के अध्यक्ष बन जाते हैं जिन्हें खेल की एबीसीडी नहीं पता होती। इनका मकसद सिर्फ अपनी जेब भरना होता है। राजनेताओं के कारण देश के खेलों की दुर्दशा हो रही है। जहाँ जहाँ इनके पाँव पड़ते हैं वहाँ का बनता दार निश्चित होता है। जोड़ तोड़ और भ्रष्टाचार के इन खिलाड़ियों से खेलों को बचाना बहुत जरूरी है। जय हिंद। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। सर जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद, बोलिए। पुणे से सर। हाँ सर, अवश्य राजनेताओं से दूर रखना चाहिए, पारियों को कड़ी समझ सकते हैं। चलिए धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि आप सही नेटवर्क में आकर कॉल करें तो आप अच्छी बात रख पाएंगे। अगले कॉलर। हाँ वंदे मातरम सर, बोलिए। मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ सर। हाँ। खेल जो जीवन को उत्साह से भर दे, तन मन को आनंदित कर दे, राज जिसकी कल्पना हर युग में की गई हो, नेता जो राज का अग्रणी हो, राजनेता जो समय चल रहा है जिसमें समाज जड़ता को प्राप्त हो गया हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, स्मरण शक्ति खो चुकी हो, देखने सुनने बोलने की शक्ति भी किसी के आश्रित हो चुकी हो, तब इसे राजनेता नहीं नेता राज कहना ही उचित होगा। अब इसे खेलों में रखना है, संसद में रखना है, राजनीतिक परिवर्तन करना है, क्योंकि मैं जिसे चुनता हूँ वो देश के लिए नहीं, उसको किसी न किसी राजनीतिक परिवार में जाकर सम्मिलित होना है। जब तक विधान चलेगा तब तक राजनेता नहीं नेता राज चलेगा। फिर उसे सोने की लंका में बैठाओ, धुआं तो निकलेगा ही। भारतीय खेल मृत्यु प्राय हो चुके हैं, खेलों में हमारा स्थान है ही कहाँ। नेताओं के अनुकरण से हॉकी कहाँ खो गई, ध्यानचंद का नाम स्टेडियम में सिमट कर रह गया, क्रिकेट व्यभिचार दुराचार भ्रष्टाचार बलात्कार की भेंट चढ़ गया। नेता देश मूर्छित है, नेता राज सिर उठाकर कह रहा है यही तो जश्न मनाने का समय है, यही तो जश्न मनाने का समय है। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। कारण दिखाते हम आपको कि हम ऐसा आपको क्यों कह रहे हैं। रसूख का पर्याय बनता खेल, आज देश में खेल संघों की कुर्सी पर राजनेता बरसों से चिपके हुए हैं, जैसे उन्हें लगता है कि ये कुर्सी उनके लिए किसी सत्ता से कम नहीं है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। खेल को खिलवाड़ बनाते राजनेता, आए दिन जिस प्रकार से हमारे राजनेता खेल महासंघों की कुर्सी पर बैठकर करोड़ों अरबों के वारे न्यारे कर रहे हैं और मनमाने तरीके से खिलाड़ियों के चयन में अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण आज खेल खिलवाड़ बनते जा रहे हैं। काले धन को सफेद बनाने का अड्डा खेल, आज लगातार देश भर में खेल के जरिए देश विदेश में सट्टेबाजी हो रही है, जिसको लेकर अब राजनेताओं पे भी उंगली उठने लगी है, क्योंकि जब सट्टेबाज पकड़े जाते हैं उन्हें छुड़ाने में राजनेताओं के रसूख का इस्तेमाल किया जाता है। खेल विधेयक पर सरकार का नरम रुख। सरकार खेल विधेयक के माध्यम से एक ओर राजनेताओं के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर सत्ता में बैठे सांसद ही इसका विरोध कर अपना रास्ता साफ कर रहे हैं, जिससे आज तक वो खेलों में मौजूद हैं। ये कारण है आपको जो आखिर में फोटो दिखाया गया वो खेल मंत्री का है, जी हाँ, चे माकन, जो कि खुद उनके राजनीति के शिकार हो चुके हैं। अब तक जो खेल मंत्री बना है वो खेल मंत्री कमजोर रहा है और खेल संघों के अध्यक्ष मजबूत रहे हैं। सुरेश कलमाड़ी का खेल सही तरीके से हो, इसलिए मनमोहन सिंह ने तब के क्रीड़ा मंत्री मनीष शंकर अय्यर को हटाया था, और जो वर्तमान के क्रीड़ा मंत्री है इनके हाथ में इतना भी नहीं कि BCCI अर्थात क्रिकेट की ये बिजनेस या बॉडी जिसको कहे ये RTI में उनके कहने के बावजूद भी नहीं आ सकती।
हॉकी के दो दो गुट बन चुके हैं, इतने बाजार लग चुके हैं, इतने शटर खुल चुके हैं कि इनको बंद करना जरूरी है।